न जाने हमारे समाज को क्या हो गया है। इस आधुनिक दौर में जहां हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, वहीं हमारे रिश्ते पीछे छूटते जा रहे हैं और महिलाओं पर होने वाले अत्याचार ने समाज को दहला दिया है। जी हां, हम आपको आज जिन दो घटनाओं के बारे में बताएंगे, शायद उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पहली घटना मेरठ की है, जहां पिता ने अपनी ही बेटी को हवस का शिकार बना डाला। पूरा मामला परतपुर थाना क्षेत्र का है। पीड़िता सातवीं कक्षा की छात्रा है। पिता की हैवानियत से डरी छात्रा ने खुद ही थाने जाकर मामला दर्ज कराया। उन्होंने सर छेड़खानी करी थी। कौन है वो आपके? पापा है मेरे। पहले भी इससे पहले कोई घटना हुई ऐसी? एक बार हुआ था, तब मैंने मम्मी को बता दिया था, तो मम्मी ने लड़ाई हुई थी, तो हमारी बात उन्होंने मना कर दिया था, तो मैं अब ऐसा नहीं करूँगा। क्या नाम है आपके पिताजी का? राजेश। कहाँ के रहने वाले? पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करा, बलात्कारी पिता को गिरफ्तार कर लिया है और उसे जेल भेजने की तैयारी कर रही है। परतापुर क्षेत्र का एक मामला है जो सामने आया है, इसमें मुकदमा लिख लिया गया है। ये एक परिवार की घटना है जिसमें एक राजेश गुप्ता नाम के व्यक्ति हैं, जिन्होंने जो उनकी सेकेंड वाइफ हैं और उनके जो पहले हस्बैंड से जो बच्चे थे, उनकी जो लड़की है उनके साथ उन्होंने बलात्कार की घटना कारित की है। और इसमें मुकदमा लिख लिया गया है और अरेस्टिंग कर ली गई है। जो मेडिकल और जो अन्य कार्रवाई है वो इसमें कराई जा रही है। दूसरी घटना बागपत जिले की है, जहां एक चाचा ने ही अपनी भतीजी से बलात्कार का प्रयास किया और विरोध करने पर पीड़िता के साथ मारपीट की गई। वहीं जब पीड़िता आरोपी के चंगुल से भागकर परिजनों के पास पहुंची, तब आरोपी ने अपने साथियों के साथ हमला बोलकर आधा दर्जन लोगों को घायल कर दिया। चाचा अकेले थे, उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैंने खुद चिल्लाई तो वे मुझे छोड़कर भाग गए। मैंने अपनी दादी को बताया, उन्होंने मेरा यकीन नहीं किया, वापसी उन्होंने मुझे मारा। फिर उसके बाद मैं भाग के अपने दादा के पास गई, दूसरे वाले दादा के पास, तो वे वहाँ पर आए मुझे लेने के लिए। मैंने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊँगी। फिर क्या हुआ? फिर जी कुछ भी नहीं, उसके बाद मारपीट। वहीं पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बागपत पे अभियुक्त का बलात्कार के प्रयास का मुकदमा पंजीकृत हुआ है तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी की जा चुकी है। एक के बाद एक ऐसी घटनाओं ने जहां सामाजिक रिश्तों को शर्मसार कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर लोगों के मन में डर भी पैदा कर दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मेरठ से आदिल रहमान और बागपत से विवेक कौशिक की रिपोर्ट।